बात उस सेगमेंट की करते हैं, उस मुहिम की करते हैं जो गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से चलाई जा रही है, और बात हम कर रहे हैं लेट मरीजेस के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर वादी कश्मीर के अंदर जो लेट मरीजेस का रुझान, जो शरह इसकी है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और इस पर किस तरह से काबू किया जाए। अलग अलग मेहमान भी इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात वो सामने रख रहे हैं, लेकिन असला ये है कि उस पर आगे कौन आए, बात कौन करे और उस पर पहला कदम कौन उठाएगा, क्या वो माना जाए, क्या जो हमारे उल्मा हैं क्या वो उस पर बात करेंगे, क्या वो उस पर काबू करने की कोशिश करेंगे, या सिविल सोसाइटी के मेम्बरान जो है क्या उस पर वो अपना रोल जो है वो अदा कर सकते हैं, पेरेंट जो है वो किस तरह का रोल अदा करना होगा उन्हें, और साथ ही साथ जो तंजीमें हैं, चाहे जो मस्जिद कमेटियां है, गांव की कमेटियां है, उनका किस तरह की जिम्मेदारी है, किस तरह वो अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो मेहमान अपनी राय तो रखते हैं लेकिन ओवरऑल जो जिम्मेदारी है वो हम सब की है, यानी कि इज्तिमाई तौर भी हमारी जिम्मेदारी है और इनफरादी तौर पर भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के इस मेहमान जो जुड़ चुके हैं वो है रोहिल नबी, जो बतौर लेक्चरर काम कर रहे हैं बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल खिम्बर में, वो बतौर लेक्चरर काम कर रहे हैं। रोहिल नबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मामला हम सबके सामने है लेट मरीजेस का, जिस तरह से रोजाना उस टॉपिक पे बात हो रही है, सबको पता है कि इसमें क्या क्या वजूहात है, लेकिन इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको कैसे काबू किया जाए, वो आप अपनी बात रखिएगा कि ताकि लोग कोशिश करें कि जो लेट मरीजेस का मामला है उसे काबू किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, एक्चुअली जो निकाह का ताल्लुक है इस्लाम के एतबार से, तो इसमें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूलिंग ऐसी एक्सप्लिसिट है और इतनी वाज़े है कि इसके बाद हम में से किसी के पास कोई चारा ही नहीं बचता है कि इस जैसी बिदत को अपने मुआशरे में रिवाज देना। मिसाल के तौर पर अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीजों में जल्दी किया करें, नंबर एक, जब नमाज का वक्त हो जाए तो फौरन नमाज अदा की जाए जी। जब कोई इंतकाल कर जाता है तो उसको जल्दी जल्दी से दफनाने की कोशिश करें, और जब बच्चा और बच्ची बालिग हो जाए और रिश्ता मिल जाए तो कभी भी देर ना करें। लेकिन हमारे यहाँ ये अभी जो कश्मीर का मामला है, या ये तो जनरल इन पर्टिकुलर टू कश्मीर है, लेकिन जनरली वर्ल्ड लेवल पर भी ये मसला है कि ये अब एक मजहबी मसला जैसे रहा ही नहीं है, लोग इसको ऐसे देखते हैं जी। इट हैज बिकम नाउ अ सोशल इशू, ये सिर्फ सोशल इशू बन चुका है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे ये इसको मजहबी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि अगर ये मजहबी हमारे लिए एक मजहबी जिम्मेदारी है, हमारे लिए एक मजहबी रूलिंग है, तो हमें फॉलो करने पर ध्यान होता कि हम इस मजहबी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, या मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, या एक रिलीजियस ड्यूटी है हमारे ऊपर, तो हम इसको पूरे करने की कोशिश कर लेते। हम किसी दाएं बाएं कहीं नहीं जाते कि हमें कैसे इसको देखना है, लेकिन हमने इसको एक सोशल इशू बनाया। इसकी बहुत सारी वजूहात है कि एक आदमी को पता है कि मेरे बच्चे का निकाह हो सकता है और मेरी बच्ची का निकाह हो सकता है, और लेकिन उसने वो एक्सपेक्टेशंस रखी है उन पर जो बिल्कुल इलॉजिकल है। मैं इसको बिल्कुल इलॉजिकल, खानदान के एतबार से जब खानदान देखने चले जाते हैं, ठीक है, अगर एक इंसान को किसी फैमिली के साथ कंपैटिबिलिटी होती है या किसी खानदान के साथ कंपैटिबिलिटी होती है, लेकिन वो इस चीज को इतना इशू बनाता है कि एक आदमी अगर अपने खानदान का है उसमें सारी कमियां होंगी। फॉर एग्जाम्पल, वो शराब भी पिएगा, वो बहुत सारे गुनाहों में भी मुबतला होगा, वो उसी को प्रेफर कर रहे हैं, क्यों, फैमिली अच्छी है। लेकिन दूसरे साइड से एक लड़का बहुत शरीफ भी है, बहुत अच्छा भी है, कमाता अच्छा भी है, घर भर भी ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेफर नहीं करते हैं, क्यों, ये हमारी फैमिली के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं कर रहे। देखिए, मैं इस चीज को थोड़ा सा और ज्यादा देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने एज रिलीजियस काउंसलर काम किया है टू द इन अ ड्रग एडिक्शन सेंटर, जहां पर मंशियात के जो पेशेंट होते हैं मैंने उनके साथ बात की है।
जी और मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों की शादी होती है, पूरी खानदान को पता है कि ये ड्रग्स कर रहा है, लेकिन चूंकि फैमिली अच्छी है, ये मैं किसी खानदान का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं किसी को डिफेम करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो ये हाई कास्ट लो कास्ट अब बन चुका है कश्मीर में, इसको तो और ज्यादा खतरनाक तरीके से देखा जाता है। जी नंबर दो, एक आदमी अगर अपनी इस बहू को बेटी की सूरत में देखना चाहता है तो ये इस बेटी को वैसे ही बेटी ट्रीट करता जैसे अपनी बेटी को ट्रीट करता है। ये क्यों कहता है कि जब तक मेरा बेटा कमाएगा नहीं तब तक इसकी शादी नहीं हो सकती है, ये करेगा क्या? क्या मैं अपनी जिस तरीके से अपनी बेटी की जरूरियात पूरी कर सकता हूँ, क्या मैं अपने बेटे को भी नहीं पाल सकता और बेटी को भी नहीं पाल सकता? और हमारे पास ऐसे केसेस हैं, एक भाई है दूसरा भाई है, दोनों माशाल्लाह अच्छे हैं दीनदार है, एक की बेटी है एक का बेटा है, इन्होंने शादी कर ली, उसने कहा यार ये तो फिर भी मेरी भतीजी है भांजी है तो हम इनकी शादी कर लेते हैं, मैं पालूंगा। और वो दोनों 12th में पढ़ते हैं, चलो वो तो कानूनी एतबार से अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं स्कूल भी जा रहे हैं कॉलेज भी जा रहे हैं इकट्ठे जा रहे हैं, क्या हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं है? हमारी सोसाइटी ने आज सोशल इश्यूज को इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया और उसके बाद जो फजूल खर्ची, जो लड़के बड़े भी हो जाते हैं वो शादी का नाम लेने से भी डर जाते हैं कि हमें शादी करने के लिए मेहर इतना देना है, फिर जायदाद ऐसी करनी है, और हमें भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं जब हम निकाह पढ़ाने भी जाते हैं, हमने देखा है क्या क्या परेशानियां। तो इस एतबार से हमें लगता है कि लोगों को इसमें इन सारी चीजों को रफा दफा करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में इमोरलिटी दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ रही है और हमारे बच्चे इस वजह से लेट मैरिज की वजह से अपनी एकेडमिक्स में भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। एक इंसान की जब बड़ा हो गया इसकी बायोलॉजिकल नीड है और जब इसको वो नीड नहीं मिल रही है ये पढ़ाई पर ध्यान कम देता है और बाकी इमोरल चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा देता है। मैंने ये बात इसलिए कही, मैं और अच्छे से खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एज काउंसलर काम कर चुका हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स। रोहिल साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से आपने खाका खींचा, अल्लाह का फजल है कि आप दो महाजों पर काम कर रहे हैं, एक मजहबी पेशवा की हैसियत से भी, फिर समाज के उस हिस्से तक भी आप जा पा रहे हैं जहां पर दर्स तदरीस का मामला चलता है, फिर तीसरा फैक्टर यह है कि आप उन लोगों से भी मुखातिब हो रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से आज के मुसीबतों के शिकार है, ड्रग्स के अंदर आए हैं, डिप्रेशन के अंदर आए हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी एक मॉडल की होनी चाहिए थी, रोल मॉडल की आज के दिन में होनी चाहिए थी, मजहबी पेशवा की होनी चाहिए थी, मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस की होनी चाहिए थी, क्या वो हम पूरा करने में कामयाब हो रहे हैं या हम सिर्फ अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने में ही लगे हैं, उसको सवारने में लगे हैं, उस फैक्शन को उस ग्रुप को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बस उसकी ओर हमारी तवज्जो है और ये जो बुनियादी ग्रॉस रूट वर्कर हमारा था ये हमारे हाथ से चला गया है? देखिए मैं एक बात बदकिस्मती के साथ कहना चाहूंगा, अगर सारे लोगों का ये कहना है कि क्योंकि लोग अक्सर एक पहलू तो देख लेते हैं दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देखते हैं, क्योंकि मैंने दोनों तरीके जैसे आपने मेंशन किया मैंने दोनों तरीके पर काम कर की है और कर भी रहा हूँ। जैसे जैसे लोग पहले पहले ओलामा के साथ वाबस्ता हुआ करते थे, जैसे लोग कनेक्टेड थे, और मुझे याद जब किसी आलिम की बात आ जाती थी किसी घर की मजाल होती थी कि वो किसी आलिम की बात के खिलाफ कर ले, घर के अंदरूनी मसलों में एक आलिम का इंटरवेंशन सबसे बड़ा इंटरवेंशन माना जाता जब वो इंटरवीन कर, इवन हमने देखा है बहुत सारे घरों को तोड़ने से उलमा ने बचाया क्योंकि इंटरवेंशन ज्यादा होता। लेकिन बदकिस्मती से लोगों की प्रायोरिटीज बदल चुकी है, लोग उलमा से दूर हो आज तो वो लोगों के मतलब एक आलिम बता भी रहा होता है लोगों को कोई फर्क उससे पड़ता नहीं, हो सकता है मैं ये नहीं कहूंगा टोटल ही नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी उलमा के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं कि ये हमें शायद दीन का सच्चा रास्ता बताएं। और जब तक लोग उलमा के साथ अच्छे से कनेक्टेड थे हमने देखा है तब तक लोगों की शादियां भी टाइम पर हो जाती थी और लोग चल भी पाते, लेकिन जब से हमारी प्रायोरिटीज बदल गई है जैसा कि आपने कहा रोल मॉडल पहले एक आलिम होता था, बच्चे को भी कहा जाता था बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, वो यही बात कहता था कि मैं मौलवी साहब बनूं, या लोगों की प्रायोरिटीज ये रहती कि बच्चे को कहते थे बेटा बड़े होकर कि आपको कहाँ जाना है, वो कहता था हज पे जाना। लेकिन चूंकि
एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है सोसाइटी में, जी और वो बहुत गंदे तरीके से हो रही है। हमारी सोसाइटी का रोल मॉडल अब ना उलमा रहे हैं, मुसलमान रहे हैं, वो तो वेस्ट के पीछे रेस करने में लगे। और ये लेट मैरिज हमारी अपनी यहाँ नहीं है, गुर्बत आज ही नहीं हुआ करती थी, गुर्बत तो पहले भी हुआ करती और इससे भी ज्यादा होती थी। परेशानियां सिर्फ आज नहीं है, इससे पहले भी होती थी, लेकिन आज के लोगों ने मतलब बड़ी बदकिस्मती से मैं कहूंगा वो उलमा से दूर हो गए। ये मैं किसी आलिम की अपनी जात से लोगों को जुड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ इस्लाम से जुड़ जाए, और इस्लाम हमें उलमा से मिलता है। अब अगर वो उलमा रोल मॉडल होते तो वो एक बात, फॉर एग्जाम्पल मैंने भी अभी बात बता दी कि उलमा तो आपको इस्लाम भी यही हुक्म दे रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको फॉलो करने या जो इस पर कान भी धरेंगे। तो इस वजह से हुआ ये है कि जो प्रायोरिटी चेंज हो गई है, तो हमारी सोसाइटी अब इस्लाम वो वैसे नहीं ले रहे जैसे ये मजहबी। अच्छा जी रोहिल साहब, ये तो एक पहलू है ना। अब हमने अगर इससे निकलना है, वे आउट ढूंढना है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि ये जिस मुसीबत में लाखों की तादाद में, इंटायर जम्मू कश्मीर की अगर मैं सिर्फ बात करूं, हमारी बेटियां हैं जिनकी हद उम्र उतनी हो गई है, 50, 60, 75 साल तक हो गई है, लेकिन शादियां नहीं हो पा रही हैं क्योंकि रसूमात इतने हमने बढ़ा दिए, शादी का नाम सुनते ही बाप डरता है, भाई डरता है, बेटी डरती है। इससे अगर हमने अब निकलना है तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या उठाना है, दूसरा स्टेप क्या उठाएं, और मिनहसुल कौम हम सबकी जिम्मेदारी क्या है, तीन स्टेप्स बताइएगा। हाँ, हमारे असल में अगर इन स्टेप इन चीजों से निकलना है ना, सबसे पहले तो हमें मुझे लगता है तीन स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए। एक तो है इंडिविजुअल लेवल पर, एक घर का जिम्मेदार, एक वालिद साहब या एक जो निकाह करने वाला खुद, चाहे दूल्हा या दुल्हन, एक लड़का लड़की, जो सबसे पहला स्टेप इनको खुद स्टेप लेना पड़ेगा। मुझे पता है इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की उम्रें अब 40-50 कर चुकी हैं, लेकिन उनमें भी मसला ये है कि आप उनके सामने कोई रिश्ता भी लाएंगे ना, तो वो पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नंबर एक तो ये, नंबर दो, इसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, और इसमें उलमा की भी जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की सोसाइटीज की भी जिम्मेदारी है, कि हमारे यहाँ अभी जो अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है वो हर एक लिहाज से, सिर्फ मजहबी लिहाज से नहीं, साइकोलॉजिकल लिहाज से भी, सोशल लिहाज से भी, और कानूनी लिहाज से भी, हमें इस चीज की अवेयरनेस, और मेडिकल साइंस के एतबार से भी, जितनी भी हम पर ये जिम्मेदारी है, तो इसकी इसके जो इफेक्ट्स हैं लोगों को उससे बाखबर किया जाए। इसमें सारे पहरेस्त तो उलमा का भी रोल है, तो इंशाल्लाह मैं उलमा से भी गुजारिश करता हूँ कि आप इन इस मौजू को फिर से उठाएं और इन रसूमात और बिदतों को बिदतों के खिलाफ खूब चर्चा करें, ताकि हम इससे छुटकारा पा सकें। रोहिल भाई, नंबर दो, अच्छा ठीक है, आप कैरी ऑन करें, आप कैरी ऑन करें, पहले तीन पॉइंट, फिर मैं आता हूं दोबारा। और नंबर तीन, हमें सोशल लेवल पर, एक सोसाइटी क्यों एक्सपेक्ट करेगी ऐसी चीजें जो इलॉजिकल है। मतलब एक आदमी एक 25 साल या 20 साल के नौजवान से वो चीजें एक्सपेक्ट करता है जो खुद वो 60 साल की उम्र में भी पूरी नहीं कर पाता है। उसके पास जॉब भी हो, वो सेटल्ड भी हो, उसके पास प्रॉपर्टी भी हो, उसके पास खानदान भी हो, उसके पास ये सारी चीजें अगर है ना, तो बहुत ही मुश्किल है हम इस चीज से निकल जाए। अगर हम इस चीज से निकलना चाहते हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पर भी काम करना शुरू कर दें, और अवेयरनेस इतनी भी क्रिएट कर, और लास्ट में सोसाइटी लेवल पर भी हमें इस चीज को बढ़ावा ना दें कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छा रोहिल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक मेन की है इस पूरी शादी की, वो है निकाह हमारा, और निकाह बहस्ती निकाह खान के, बहस्ती मौलवी साहब के, बहस्ती पीर साहब के कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये एक ट्रेंड है हमारे यहाँ। अगर खुद आलिम बेटे को आता भी हो तब भी उसने निकाह खान को ले आना है, तब जाके माना जाके जी इसने निकाह पढ़ा है। लेकिन अगर यहाँ से हम एक टेक ऑफ लें आज कि जनाब
हम तभी आएंगे निकाह पढ़ाने के लिए जब आपने एक स्ट्रीमलाइन करनी है अपनी शादी को, रसूमात जो आपने बढ़ाए हैं बहुत ज्यादा, शादी जो 3-4 खानों तक महदूद थी, हमारे पकवानों तक थी, उसे आपने 15, 18, 20, 30 तक पहुंचा दिया और रसूमात इतने बढ़ा दिए कि शैतान भी मेरे ख्याल से डर रहा होगा हमारी ओर देखते हुए कि भाई साहब मैं तो आया था इनको डराने के लिए लेकिन ये मुझे भी डरा रहे हैं। तो अगर ये एक टेक आउट पॉइंट बनता कि मौलाना एक फैसला लेते कि भैया हमने आना ही नहीं उस शादी में, हमने निकाह पढ़ाना ही नहीं है, एक टैक्टिक नहीं बन सकता था ये मुआशरे के अंदर? हाँ बिल्कुल बन सकता है, अगर इसमें हमें सामाजिक लेवल पर अगर ये पॉइंट नए तरीके से उठाया जाए जैसे आपने बताया, क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल पर एक मौली साहब को तो मैंने कहा पहले आपको कोई फॉलो करने वाला तो है नहीं, अलबत्ता अगर ओलामा इकट्ठे ये चीज ना स्टेप ले लें, इंशाल्लाह मुझ तक भी जितना भी ये कनेक्शंस हैं मैं इस बात को इंशाल्लाह उनके सामने रखूंगा कि हम थोड़ा सा कुछ स्टेप उठा लेंगे क्योंकि इस पर गौर फिक्र करने की भी जरूरत है बहुत ज्यादा। जी तो हम कुछ स्टेप भी ले सकते हैं कि जहां जहां पर भी रसूमात हैं हम कोशिश करेंगे, हम उनको कहेंगे हम आएंगे, जैसे पहले पहले हुआ करता था कि जो ये दोला होता था उसको मौली साहब उस वक्त सुनाते थे 6 कलमे सुनाओ या दुआए कुनूत सुनाओ, बिल्कुल। तो जो भी शादी करता था शादी करने से पहले ये सारी वो चीजें याद कर लेता था क्योंकि उसको पता था कि मुझे इस दिन मौली साहब पकड़ेंगे। लेकिन बहुत टाइम से हमें आज आपको मैं एक मतलब ना दर्दमंदाना ये बात कहूंगा कि हमें जब जाना पड़ता है हमें लोगों को कलमा रिपीट करना, मेरी तो अक्सर आदत है कि जहां पर भी मैं निकाह पढ़ाने जाऊं तो मैं जरूर लोगों को कलमा पढ़ाता हूँ क्योंकि पता ही नहीं होता है कि कलमे कुफ्रिया कितनी बार कहा है। इस वजह से जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है जो मेहराब मेंबर के जामिन है हमारे, और फिर हम अपने कमी महलों के अंदर देखते हैं कि दो दो कमेटियां रहती है, बैतुल माल की अलग से बनती है, मैयत कमेटियां अलग से बनती है, वो अपना काम एहसन तरीके से करती है, लेकिन इस हसास वाले मामले पर जो मेंबर और मेहराब की जामिन कमेटी है और जो मेरी बैतुल माल वाली कमेटी है, अगर उनमें तालमेल ना हो कितना बड़ा नुकसान है, और आज के दिन कितना बड़ा उन पर जिम्मेदारी है दीन के एतबार से कि अगर वो खामोश बैठे तो कितनी बड़ी पकड़ उन पर होगी। पहले तो मैं आपसे ये ना इत्तेफाक शायद नहीं कर पाऊंगा कि वो अपना काम आसान तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं क्रिटिसिज्म भी नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि हमारे हम चूंकि क्रिटिक होते हैं, क्रिटिक यानी तनकीद बराए तामीर जो होती है हमारी, हम क्रिटिक होते हैं कि लोगों को बताते हैं आप लोगों ने क्या समझ के रखा है कि मस्जिद कमेटी का क्या मतलब है, बस सिर्फ ये ना रंग रोगन करना है बस इतना ही होता है या आपको पेनलिंग करनी है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मस्जिद उतनी अच्छी खूबसूरत वो ना हो अगर वो प्रोडक्टिव हो जी। क्या मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी ये नहीं है कि अगर मोहल्ले में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है वो बाहर प्रोटेस्ट करते हैं और हमें ट्रांसफार्म दे दो, लेकिन एट द सेम टाइम यही मस्जिद कमेटी इनकी मस्जिद में कोई ये नहीं होता है, दर्जगा नहीं होता है जहां पर वो बच्चों के तालीम तालुम का इंतजाम कर लेते, वो तो उनका कोई फर्क ही उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ती है। इस वजह से मैं शायद ये नहीं कह पाऊंगा आपको कि वो अपना काम ऐसा तरीके से करें, हाँ काम होता है वो एक तरीके का काम होता है, हालांकि अच्छा दूसरी बात ये कि मस्जिद कमेटी ये काम नहीं कर पाई क्योंकि ये चूंकि दीनी मसला है इसमें भी उलमा का ही रोल है, मस्जिद कमेटी तो उसमें मुआविन होगी या वो मशवरा देंगे या अगर कोई मस्जिद कमेटी वाला बहुत दीनदार भी है और उसने इस्लामिक नॉलेज भी हासिल की है तो इसके बाद तो वो कर सकता है इंटरवेंशन या लोगों को एनकरेज कर सकता है किसी स्टेप को उठाने के लिए, लेकिन इसमें भी जिम्मेदारी उलमा ही की है, अगर वो गाइड करने पर आ जाएं और लोग सच्ची में थोड़ा सा भी कान धरें तो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। पर हमने देखा असल में हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि जिन लोगों में ये प्रॉब्लम है ना कि उनका निकाह नहीं हो रहा है और वो किस तरीके से परेशान है तो हम ये अच्छे से नहीं समझ पाते, जिन बेचारों पर बीती हुई है अब वो पछता रहे हैं कि हमारे साथ अब क्या हो रहा है, तो इसमें उलमा का एक अच्छा खासा रोल है और मस्जिद कमेटियां अपना वो ना वर्क जो कर सकते हैं जो उसमें हेल्प कर सकते हैं वो तो वो कर सकते हैं, लेकिन
प्राइमरी जिम्मेदारी तो उलमा की है, वो अपना इस चीज पर बोलते रहें, और दूसरा फिर लोग लोगों का काम तो है फॉलो करना, अगर लोग भी थोड़ा सा भी आगे कदम आए और हम सारे के सारे तहैया कर लें कि आज के बाद हम इन रसूमात की तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे और हम इन रसूमात के खिलाफ खुलकर बोलेंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे।